गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने चैप्टर 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ हमने मैट्रिक्स की परिभाषा, मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स आपके पास कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स के अंदर एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आयु ए का क्रम, यानी आयु ए का आपके पास जो क्रम है, आयु ए का क्रम इज इक्वल टू 2/4 हो तो ए में अवयव की संख्या लिखिए, यानी आयु ए इक्वल टू ए आई जे और इसकी कोटि आपके पास है 2/4, तो आयु ए में अवयव की संख्या। मैंने आपको बताया था जब आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम अवयवों की संख्या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस आयु की जो कोटि होती है उसको हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अतः आयु ए में अवयवों की संख्या, और आयु ए में अवयवों की संख्या क्या होती है, कोटि का मल्टीप्लेक्शन, यानी एम क्रॉस एन। एम की वैल्यू कितनी आपके पास यहाँ 2/4, और 2/4 कितना होता है आपके पास 8। इसका मतलब आयु ए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी हमारे पास 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फोर बाई फोर का इकाई आयु लिखिए। क्या लिखना हमें, 4/4 का इकाई आयु। इकाई आयु को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, तो 4/4, तो आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स आपके पास, जिसकी कोटि हमारे पास कितनी है 4/4, यानी 4 ही तो इसके अंदर क्या है, पंक्ति, और 4 ही हमारे पास इसके अंदर क्या है, स्तंभ। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, यदि K+4-1 एक मैट्रिक्स है, K+4-1 3K-6 इज इक्वल टू A-1 3-4, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें किसकी वैल्यू निकाल ली, हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ओके, अब यहाँ देखो आपके पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपके पास मैंने आपको बताया था दो आवयों की समानता, आवयों की जो समानता होती है उसके अंदर हमारे पास कितनी कंडीशन थी, 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन तो क्या थी कि पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति बराबर हो, पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ बराबर हो। तीसरी कंडीशन थी पहली मैट्रिक्स का प्रथम अवयव दूसरी मैट्रिक्स के प्रथम अवयव की क्या हो, इक्वल, यानी दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखो इसकी कोटि और इसकी कोटि, इसकी कोटि कितनी है 2/2, इसकी कोटि कितनी है 2/2, इसका मतलब इसकी पंक्ति 2, इसकी पंक्ति 2, इसका स्तंभ 2, इसका स्तंभ 2, इसका मतलब इस मैट्रिक्स की कोटि और इस मैट्रिक्स की कोटि आपस में क्या है, बराबर। यदि बराबर है तो इनके अवयव भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दो अवयवों की समानता से, और दो अवयवों की समानता से हमारे पास क्या होगा, K+4 = A -1 -1 की इक्वल है। ओके, 3 3 की इक्वल है। फिर हम क्या लिखेंगे,
के माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस का फोर। ओके, अब वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, ए की वैल्यू। तो यहाँ से देखो, पहले हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इम्प्लाइज के इक्वल टू माइनस फोर प्लस सिक्स। माइनस फोर प्लस सिक्स कितना होता है, प्लस का टू। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, दो। जब हमारे पास के की वैल्यू टू आ गई है तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो, के प्लस फोर इज इक्वल टू कितना है, ए। तो आता है के प्लस फोर इज इक्वल टू ए, इम्प्लाइज। अब यहाँ के की वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दो। तो दो प्लस फोर इज इक्वल टू ए, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, सिक्स। तो ए की वैल्यू हमारे पास छः है और के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दो। अब यदि ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो ये आपके पास दोनों मैट्रिक्स आपके पास इनके अवयव आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे देखो, मैंने के का मान यहाँ रखा दो, तो दो प्लस चार कितना हुआ, छः, और एक का मान कितना है, छः। तो छः भी यहाँ, छः भी यहाँ। इसका मतलब इसका प्रथम अवयव इसके प्रथम अवयव के बराबर है। माइनस वन, माइनस वन इक्वल थ्री, थ्री इक्वल, यहाँ के की वैल्यू रखो, के की वैल्यू कितनी है, दो। तो दो माइनस छः कितना बचा यहाँ, माइनस चार, और यहाँ भी कितना है, माइनस चार। इसका मतलब हमारा के और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एकदम सही है। ओके, तो ऐसे हम क्या वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू, एक्स की, वाई की, जेड की, किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कब, जब दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो, बराबर। तो हम क्या लगाएंगे, दो अवयवों की समानता, दोनों के एलिमेंट इक्वल कर दो और वहाँ से जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, छह अवयव वाले आवयु के संभावित क्रम क्या होंगे। यानी आपके पास एक आवयु है, उसके अंदर आपके पास कितने अवयव हैं, छह। तो उसके संभावित क्रम क्या होंगे, यानी इसकी कोटि क्या होंगी आपके पास अलग अलग। तो हम नीचे लिखेंगे, अतः छह अवयव वाले संभावित क्रम, संभावित क्रम क्या क्या होंगे, देखो। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर अवयव कितने हैं, छः, तो उसकी कोटि क्या क्या हो सकती है। एक तो ये हो सकती है सिक्स बाई वन, वन बाई सिक्स, टू बाई थ्री और थ्री बाई टू। ओके, देखो कोटि को मल्टीप्लाई करो, छः को एक से मल्टीप्लाई किया तो छः, एक को छः से छः, दो को तीन से छः और तीन को दो से छः। इसका मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर अवयव छः होंगे तो उसके संभावित जो कोटि होंगी वो हमारे पास ये होंगी, संभावित कोटि। ओके, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर चार। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है कि टू बाई टू क्रम का आवयु ए इक्वल टू ए आई जे ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित है। अब जो पाँच का क्वेश्चन है उसके तीन पार्ट हैं, हम करेंगे पहला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट, ए आई जे इक्वल टू वैल्यू कितनी है आपके पास, ए आई जे इज इक्वल टू है टू आई माइनस जे अपॉन में थ्री आई प्लस जे। ओके, अब देखो हमें जो मैट्रिक्स है वो कौन सी निकालनी है जिसका ऑर्डर कितना हो, टू बाई टू क्रम का ऑर्डर हो। तो यहाँ पहले मैट्रिक्स मानेंगे, मानना टू बाई टू क्रम का आवयु, और टू बाई टू क्रम का आवयु ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू ए आई जे टू बाई टू इज इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। जब हम टू बाई टू क्रम का आवयु मानेंगे तो हम ऐसा मानेंगे ए इक्वल टू ए आई जे टू बाई टू, यानी इसका ऑर्डर कितना हो, टू बाई टू। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ए वन वन, ए वन वन का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए वन टू का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए टू वन का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ए टू टू का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। यानी इस मैट्रिक्स में दो तो स्तंभ और दो ही क्या हमारे पास है, पंक्ति है। ओके, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, और ये हमारे पास कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है।
इस कंडीशन का यूज हम कब करेंगे, इनकी वैल्यू निकालने के यूज करेंगे हम। तो पहले हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, a11 फिर a12 फिर a21 और फिर a22। वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ देखो पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, a11 की। a11 इज इक्वल टू, देखो 11 इसकी और इसकी तुलना करो, i का मान 1 और j का मान 1, i और j की वैल्यू 1 एक है, यहाँ पुट कर दो बेटा। तो कितना हूँ, 2 × 1 − 1 / 3 × 1 + 1, कितना आया हमारे पास, 2 को 1 से क्या, तो 2 − 1 / 3 + 1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 1/4। ओके, फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a12। अब देखो अब i की वैल्यू कितनी है, 1, j की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, यहाँ पुट कर दो बेटा। तो 2 × 1 − 1 / 3 × 2 + 3 × 1 और प्लस का 2, क्योंकि i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 है। तो 2 − 1 / 3 + 2 कितना आया हमारे पास वैल्यू, j − j की वैल्यू बेटा 2 है हमारे पास। तो 2 और ऊपर देखो 2 − 2 कितना हुआ, 0, 0 बाई समथिंग 0। ओके, वापस i का मान 1 है, j का मान 2 है, aij में i का मान 1, j का मान 2, यहाँ रखो i की जगह तो 1 रख दो और j की जगह कितना रख दो, 2 रख दो। तो वही कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई किया, फिर इसको हमने सरल किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 8 to 1। अब देखो i की वैल्यू हमारे पास अब कितनी है, 2 और j की वैल्यू कितनी है, 1, ऊपर पुट कर दो। तो 2 × 2 − 1 / 3 × 2 + 1 इज इक्वल टू, 2 को 2 से क्या, तो 4 − 1 / 6 + 1, तो हमारे पास कितना आया, 3/7। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 8 to 2। अब i की वैल्यू कितनी है, 2 और j की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास से, 2। वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, तो कितना लिख दो मैं, 2 × 2 − 2 / 3 × 2 + 2 इज इक्वल टू 4 − 2 / 6 + 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 1/4। क्यों, 4 − 2 = 2 × 6 = 2 = 8, 2/8 कितना होता है, 1/4। अब यहाँ देखो a11 की, a12, a21, a22 चारों की वैल्यू है, चारों वैल्यू कहाँ पुट कर दो, मैट्रिक्स ए के अंदर पुट कर दो। तो आता है a = aij/2/2 = a11 की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, 1/4, तो 1/4 इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। फिर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 3/7, फिर इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4। ये हमारे पास क्या है, अभीष्ट मैट्रिक्स, जिसकी कोटि हमारे पास कितनी है, 2/2, कोटि कितनी है, 2/2। तो हमें 2/2 क्रम का ही आव्यूह निकालना था, तो पहले हमने आव्यूह माना, फिर इनकी सभी की अवयव यानी सभी अवयव का मान हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सरल किया इसको, फिर इसकी वैल्यू जो आई वो वैल्यू हम कहाँ पुट किया इसे मैट्रिक्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक 2/3 क्रम का आव्यूह a = aij ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारे पास मैट्रिक्स का क्रम क्या होना चाहिए, 2/3, आव्यूह a = aij ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव यानी अवयव हमारे पास क्या दिए गए आपके पास, a/2। तो पहले हम अवयव लिखते हैं, चूंकि aij = 1/2 mod 2i − 3j, ये आपके पास है aij की वैल्यू।
हाँ, मैं जो आपके पास मैट्रिक्स निकालनी हो, किस ऑर्डर की निकालनी है? हमारे पास मैट्रिक्स वो 2 बाई 3 क्रम का है, तो मानना 2 बाई 3 क्रम का आव्यूह निम्न होगा। अब देखो 2 बाई 3 क्रम का आव्यूह निम्न होगा, कैसा होगा हमारे पास? मान लो ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 बाई 3 इज इक्वल टू, जिसके अंदर दो तो क्या होनी चाहिए? पंक्ति होनी चाहिए, और दो ही हमारे नहीं, तीन हमारे पास क्या होने चाहिए? स्तंभ। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। ओके, अब इनके हम अवयव, इस मैट्रिक्स के अब अवयव निकालने में कितने अवयव? इस मैट्रिक्स के अंदर 6 अवयव है, 6 के 6 मान निकालो। पहले A11, फिर A12, फिर A13। तो पहले हम निकालेंगे A11, आता है A11। अब इसकी और इसकी तुलना करो, जिसको क्वेश्चन के अंदर आपके पास कंडीशन दी गई ना ए आई जे, ये A11। अब आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ 1, और जे की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1, यानी आई और जे का मान क्या है? 1 1। यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो 1 बाई 2, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 को 1 से किया तो 3, तो 2 माइनस 3 कितना आया? -1। अब देखो बाहर क्या है? मोड, और जब मोड होता है, माइनस के ऊपर मोड लगा होता है, तो माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास इसकी? 1 बाई 2। नेक्स्ट है A12। अब देखो आई की वैल्यू कितनी है? 1। जे की वैल्यू कितनी है? 2। वहाँ पुट कर दो तो 1 बाई 2 मोड 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 1 बाई 2 मोड 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 को 2 से किया तो 6, यानी 2 माइनस 6, और 2 माइनस 6 कितना होता है? -4। और जब -4 है तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस के ऊपर क्या लगा हुआ है? मोड। मोड हमेशा माइनस को क्या करता है? प्लस। तो 4 बटे 2, और 4 बटे 2 कितना होता है बेटा? 2। फिर दूसरी कंडीशन है A13। तो A13 आई का मान 1, जे का मान 3, ऊपर पुट कर दो तो 1 बाई 2 2 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 मोड 2 3 दिया 9, 2 में 9 गए तो कितने बच गए? -7। इसका मतलब 7 बटे 2। फिर हमारे पास किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? 8 टू 1, तो ऊपर वैल्यू पुट कर दो तो 1 बाई 2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2। 2 को 2 से गया तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होता है? 1। इसका मतलब वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 बाई 2। नेक्स्ट 8 टू 2, 8 टू 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1 बाई 2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। 2 को 2 से गया तो 4, 3 को 2 से गया तो 6, यानी 4 माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। लास्ट है 2 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2। आई का मान 2, जे का मान 3, ऊपर वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर आपके पास। ओके, तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास? 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2। 2 को 2 से गया तो 4, 3 को 3 से गया तो 9, और 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, -5, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 5 बाई 2। ओके, ये हमारे पास आ गए इस मैट्रिक्स के अवयव, सभी अवयव हमने निकाली किसकी सहायता से? इसकी सहायता। अब ये जो मान है अवयव के, जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे हम, तो पुट कर दो बेटा। तो अतः है ए इक्वल टू A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 बाई 2, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 7 बाई 2, फिर इसकी वैल्यू 1 बाई 2, फिर 1, फिर 5 बाई 2। ओके, और इसका ऑर्डर कितना हमारे पास? 2 बाई 3, और ये हमारे पास क्या है? अभिष्ट मैट्रिक्स, यानी आंसर है आपके पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7 का क्वेश्चन और 8 का जो आपके पास क्वेश्चन है,
वो दोनों सेम क्वेश्चन है और नोक का क्वेश्चन भी आपके पास सेम है। तो आपके पास आठ और नोक का क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आठ, यदि 2x 3x प्लस वाई एक मैट्रिक्स है 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड 3y माइनस 2p इज इक्वल टू 4 5 माइनस 4 माइनस 3। वो तो x, y, z व p के मान ज्ञात कीजिए, यानी ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, बराबर है। और जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं तो आपके पास वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x, y, z व p की वैल्यू। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब आपके पास दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो हम क्या करते हैं, दो आवयों की समानता, यानी आवयों के, अब दो आवय समान होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, क्योंकि दो आवयों की समानता से, दो आयु समानता क्या होगी, इसकी कोटि कितनी है 2/2, इसकी कोटि 2/2। इसका मतलब पहले मैट्रिक्स की कोटि और दूसरी मैट्रिक्स की कोटि आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब पंक्ति पंक्ति के बराबर, स्तंभ स्तंभ के बराबर। यदि दोनों मैट्रिक्सों की कोटि बराबर होती है तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना कर दो बेटा, यानी 2x को किसके बराबर कर दूं, 4, तो 2x प्लस 4, उसके बाद 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, फिर माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 4, फिर 3y माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, तो यहाँ देखो आपके पास इसकी इक्वल ये वैल्यू, इसकी इक्वल ये, इसकी इक्वल ये, इसकी इक्वल ये। अब यहाँ से वैल्यू हमें किस किस की फाइंड करनी है, x की, y की, z की और p की वैल्यू। ओके, तो अतः पुनः देखो 2x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई बेटा, x इज इक्वल टू कितना आया 2, तो x का मान तो हमारे पास कितना आया 2। ओके, अब x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2 कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। ओके, तो देखो 3 इंटू प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज 3 को 2 से क्या, तो 6, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना है बेटा 1, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, अब x की वैल्यू 2 कहाँ पुट कर दो, या माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू माइनस 4, तो अतः यहाँ पुट करो, तो माइनस का 2 प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 4 इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 4 प्लस 2 इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू माइनस 2, जेड की वैल्यू कितनी आई माइनस 2। फिर हमारे पास क्या बसा, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है अभी, पी, तो पी की वैल्यू निकालनी, तो पी देखो 3y माइनस 2p, इसका मतलब यहाँ मैं किसकी वैल्यू पुट करूँगा, वाई की, तो पुनः वाई की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ, तो 3 इंटू 1, वाई की वैल्यू माइनस 1 आएगी बेटा, क्यों, देखो y इक्वल टू 5, तो 6 को मैं इधर लेकर जाऊँगा, तो 5 माइनस 6 तो कितना आएगा माइनस का 1, तो y का मान कितना आया माइनस 1, तो यहाँ y की वैल्यू माइनस 1 पुट की, तो यहाँ बाहर क्या लग जाएगा माइनस, माइनस का 2p इज इक्वल टू माइनस 3 इम्प्लाइज 3 को 1 से गुणा किया कितना आया माइनस 3, माइनस 3 को इधर लेकर आया तो किसका होगा आपके पास प्लस का, तो माइनस 3 प्लस 3, तो माइनस का 2p इज इक्वल टू 0, इसका मतलब p इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, तो p का मान कितना आया 0। x का मान 2,
वाई का मान माइनस एक, जेड का मान माइनस दो और पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जीरो। ओके, ये हो गया इस आयु की, इस आयु में एक्स वाई जेड और पी की वैल्यू। अब देखो एक्स की वैल्यू दो पुट करो यहाँ, तो दो, दो गुणा दो कितना आना चाहिए, चार, चार बराबर चार। ओके, फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू दो है, वाई की वैल्यू माइनस एक, यहाँ रखो दो, तीन दूनी छः, छः माइनस एक पाँच, तो पाँच बराबर पाँच। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आयु की कोटि बराबर है, तो इनके संगत अवयव भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो ये सभी वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर कर देख लेना, यदि ये वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद ये मैट्रिक्स आती है तो हमारे पास ये आंसर क्या है, सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी व सी के किन मानों के लिए आयु ए तथा बी समान है, यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की, बी की और सी की वैल्यू, और आयु दोनों क्या है, समान, यानी ए इक्वल टू बी। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है ए माइनस टू, थ्री टू सी, बारह सी, बी प्लस टू और बी सी, और बी की वैल्यू हमारे पास है, बी इज इक्वल टू है बी सी छः, छः पी ए और थ्री बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू क्या है, बी, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ए इज इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में क्या है, बराबर, तो बराबर कर दो बेटा, तो इम्प्लाइज ए माइनस टू, थ्री टू सी, बारह सी, बी प्लस टू, बी सी इज इक्वल टू बी सी सिक्स, सिक्स बी ए थ्री बी। अब यहाँ देखो, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती है तो हम क्या लिखते हैं, दो आवयों की समानता से, दो आयु की समानता से क्या होगा, a माइनस बी किसकी इक्वल होगा आपके पास, b की इक्वल, a माइनस टू इज इक्वल टू बी। देखो a माइनस टू इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज कितना आया, a माइनस बी इज इक्वल टू टू, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर हमारे पास दूसरी इक्वेशन निकालो, यहाँ देखो c का मान कितना आया, तीन, तो दूसरी कंडीशन c इज इक्वल टू थ्री, तो c की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आई, तीन आ गई। ओके, पहला आवयव a माइनस टू इज इक्वल टू b, b को इधर, टू को इधर, तो a माइनस बी इक्वल टू टू, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आवयव c बराबर तीन, तो c का मान आ गया। फिर हमारे पास क्या है, टू c इज इक्वल टू c, तो वापस सिक्स, तो ये वापस यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, c की वैल्यू। फिर हमारे पास यहाँ देखो कितना आया, बारह सी, तो पुनः बारह सी इज इक्वल टू कितना है, सिक्स बी। वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ, सी का मान कितना है, तीन, तो बारह गुणा तीन इज इक्वल टू छः इंटू बी। बारह को तीन से गुणा किया कितना आया, चौबीस, नहीं सॉरी, बारह तिया छत्तीस, तो बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, बारह तिया छत्तीस और बटे में कितना हुआ, छः। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू छः। ओके, c का मान तीन, b का मान छः। अब देखो b का मान छः आ गया, तो एक का मान हम निकाल सकते हैं, एक एक का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि b का मान छः है, तो b का मान छः कहाँ पुट कर दो, समीकरण एक में पुट कर दो, तो समीकरण एक से, तो कितना लिख दूं मैं, a माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, एट, यानी ए का मान कितना आया, आठ, बी का मान छः, सी का मान तीन। ये तीनों वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो ये हमारे पास हो गया एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। बाकी जो क्वेश्चन बच गए बहुत ही जी आपसे हो जाएंगे, आप कोशिश करना, आप नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।